मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में कोरोना को एक और मरीज सामने आओ है। अब सागर जिला के बाद टीकमगढ़ जिला में कोरोना मरीज की रिपोर्ट आई है। टीकमगढ़ में लगभग 30 से 35 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाओ गए है। 28 मार्च को जो युवक इंदौर से अपने गांव लमेरा आओ तो इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी और इसके बाद इसके पूरे परिवार की सैंपलिंग करी गई थी। इस सैंपलिंग में युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जबकि परिवार के 3 सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बड़ी बात यह है कि जो युवक इंदौर में डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी के ना काम करत तो जे वे डॉक्टर हैं जिनकी कुछ दिना पहले कोरोना के संक्रमण से मौत हो गई थी। पेशेंट आया था, क्या इसमें पाया गया? हमारे कभी एक भोपाल से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि एक पॉजिटिव केस टीकमगढ़ में आया, बल्देवड़ ब्लॉक है वहाँ की पंचायत, उनकी हिस्ट्री है कि शायद इंदौर से वापस आए थे, वहाँ कुछ काम करते थे किसी के कॉन्टेक्ट में, कोई लक्षण नहीं थे फिर भी इनकी हमने होम क्वारंटाइन किया गया था बल्देवड़ में इनके घर पर और इनका सैंपल किया गया था रैंडम। इसमें पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद जैसे प्रोटोकॉल जो भी आवश्यक है ना कार्रवाई हो वहाँ प्रशासन CMHO और सभी विभाग के लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं और जो भी होगा वहाँ पर किया जा रहा है आवश्यक। टीकमगढ़ जिला के बलदेवगढ़ के तहसीलदार कमलेश कुशवाहा भी अपने दलबल के संगे मौके पर पहुंचे हैं ग्राम लमेरा में। इतने उनसे हमने बात करी और फोन पे उन्होंने दी है जा जानकारी। इसकी तो कुछ नहीं है, पंजवानी डॉक्टर साहब के यहाँ से आया था जी, तो उसी के लिए अभी चल रही इसकी इंक्वायरी। अच्छा, तो कब आई रिपोर्ट? क्या भोपाल से आई सूचना? कहाँ थी, गई थी इसकी सैंपल? अभी तो इसका भोपाल ही गया था। अच्छा, अभी तो इसका क्लियर जानकारी तो कलेक्ट्रेट से मिलेगी, अभी तक उन्होंने कुछ दिया नहीं हमें जानकारी। अच्छा जी, आप लोग पहुंच गए वहाँ? हाँ, हम लोग तो वहीं पर हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या क्वारंटाइन कर रहे हैं कि आसपास के इलाके को सील कर रहे हैं? हाँ हाँ जी जी जी। और परिवार में कोई? अभी तो सभी को आइसोलेटेड कर रहे हैं। अच्छा, अभी मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव एक की ही आई है अभी? हाँ हाँ। क्या एज क्या है सर इसकी, एज बता पाएंगे लगभग? मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त फैज अहमद किदवई ने जानकारी दी है और मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटा में 126 नए पॉजिटिव केस भए हैं जिनमें 9 जिला शामिल भाव है टीकमगढ़, जबकि इंदौर में नए केस 98 और भोपाल में नए केस 20 पाए गए हैं। नमस्कार, मैं फैज अहमद किदवाई, आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश। आपको आज 14 तारीख की स्थिति कोरोना वायरस की बतला रहा हूं। ये जानकारी कल रात तक के आए प्रकरणों की है। पिछले 24 घंटों में हमारे 1171 टेस्ट हुए हैं जिनमें से 126 लोग नए पॉजिटिव निकल करके आए हैं। इसमें 98 इंदौर में हैं, 20 भोपाल, 1 उज्जैन, 2 बड़वानी, 1 जबलपुर, 1 श्योपुर, 1 मंदसौर, 1 रतलाम और टीकमगढ़ जिले में पहला एक नया प्रकरण आया है। कुल प्रदेश में 730 प्रकरण निकल करके आए हैं। प्रदेश में 278 कंटेनमेंट एरियाज बनाए गए हैं इन 24 जिलों में जिनमें केसेस आए हैं। हमारी 8 टेस्टिंग लैब्स काम कर रही हैं। प्रदेश में 644 RRT टीम्स काम कर रही हैं, लगभग 1150 मोबाइल टीम्स काम कर रही हैं और हमारे कॉल सेंटर पर 5.5 लाख कॉल्स आ चुकी हैं जिनका निराकरण किया जा चुका है। कल हम प्रदेश में कोरोना से प्रभावित 6 लोगों की मृत्यु हुई, कुल 50 लोगों की मृत्यु हुई है और उसके साथ साथ 51 लोग स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज हुए हैं। धन्यवाद। टीकमगढ़ जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की बात इससे भी महत्वपूर्ण है। काय के बुंदेलखंड क्षेत्र में अलग अलग शहरों से ग्रामीण लोग पहुंचे हैं अपने अपने गांव की ओर। ऐसे में अगर गांव में जो संक्रमण फैल जाए तो भारी मुश्किल हुई है। यही से जो भी लोग अपने अपने गांव पहुंचे हों वे सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, बाकी लोगों से दूर रहें और अपनी जांच करावे में भी प्रशासन को सहयोग करवें। मयंक दुबे के संगे सुधीर जैन, बुंदेली बौछार के लाने।